पिछले 6 दिनों से हड़ताल कर रहे उज्जैन सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर अपने खून से सीएम शिवराज को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने अपनी अलग अलग मांगों का जिक्र किया। कर्मचारियों की मांग है कि सहकारी समिति कर्मचारियों के लिए जिला कैडर वेतनमान और स्थानांतरण के तत्काल आदेश जारी किए जाएं। इसके अलावा उचित मूल्य की दुकान संचालन के लिए आदेश जारी किए जाएं और कंप्यूटर ऑपरेटर के सेवा नियम में संशोधन किए जाएं। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। निकले के बाद भले न्यूज़ निकाल, जल्दी आ जा, इतना चाहिए कर्मचारियों को, इतना निकालो, कोई दिक्कत नहीं। हां हां बहुत होने हां लेता हूं। ये हमारे सभी कर्मचारियों को खून से लिखकर ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जहां हमने पहुंचाए हैं, हमारी मांगों का जल्द से जल्द निराकरण हो, इसलिए हमने ये हमारे खून से लिखा है। और भविष्य में और भी मध्य प्रशासन को हमारे लिए जो भी हमारे से जरूरत पड़ेगी, हमारे खून की आवश्यकता पड़े, जो भी है हम तैयार है, लेकिन हमारी जो लंबित मांगे हैं केडर, जिला केडर वेतनमान, ये सभी जल्द जल्द पूरी हो। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित उज्जैन के कर्मचारियों ने 7वां वेतनमान का लाभ दिए जाने के समर्थन में जिला केंद्रीय बैंक कर्मचारी एवं अधिकारी संघ उज्जैन के आह्वान पर एक दिन का अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन किया था। आज मध्य प्रदेश सहकारी समिति महासंघ के आह्वान पर जिले के 550 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करते हुए नजर आए। सोमवार को कर्मचारियों ने सांसद प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय को ज्ञापन देकर मांगों को मनवाने के लिए सरकार को पत्र लिखने का अनुरोध किया था। आज कर्मचारियों ने भरतपुरी से पैदल मार्च निकाला और अपने खून से एक पत्र सीएम शिवराज के नाम लिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, उज्जैन।